किसके लिए काम करता है तू? मैं तुझे उसका नाम नहीं बताऊंगा। मार डाल रे। अरे उठ। ए मनन। अरे दवे। मार डालो उसे। हिरासत में मृत्यु तो बहुत ही संजीदा मामला है। डिफेंस काउंसिल इंदर मोहन जायसवाल, सिर्फ 10 मिनट में मैं तुम्हें ये केस जितवा सकता हूँ। आपने मदद मांगी भी तो किससे? अपने विपक्ष से। केडी ने मुझसे कहा है कि वो मेरा केस लड़ेगा। कटघरे में खड़े इस इंसान ने हम सबका सर शर्म से झुका दिया है, क्योंकि इंस्पेक्टर दवे वर्दी के नाम पे एक बदनुमा दाग। प्रोसिक्यूशन की दलील सुनने के बाद मेरे और मेरे मुवक्किल के पास और कोई चारा नहीं बचता सिवाय कि हम ये मान लें कि इंस्पेक्टर दवे से अनजाने में गलती से मन का कत्ल हुआ है। अब सिर्फ केडी ही मुझे बचा सकता है। प्रोसिक्यूशन, आपको इस केस के मुतालिक और कुछ कहना है? नो योर ऑनर, मिस्टर जायसवाल का पीछे हट जाना यह साबित कर देता है कि केस पूरी तरह से एक तरफा है। ठीक है, तो फिर इसका फैसला मैं आपसे 1 घंटे के बाद सुनाऊंगा आफ्टर लंच। द कोर्ट विल कंटिन्यू आफ्टर लंच। जस्ट वन मोर थिंग सर, क्या सारे गवाहों को लंच के बाद वेट करना जरूरी है? वो क्या है ना, इंस्पेक्टर राठौड़ और उनकी टीम वापस पुलिस स्टेशन जाना चाहती है। ठीक है, उनकी कोई जरूरत नहीं, उन्हें जाने दिया जाए। वैसे भी मैंने अपना फैसला इंस्पेक्टर दवे के खिलाफ ही तैयार किया है। द केस इज एज गुड एज क्लोज्ड। थैंक यू। वरुण, अभी भी टाइम है। अगर अगले 1 घंटे के अंदर केडी आ गया ना, तो वो इंस्पेक्टर दवे को बचा लेगा। एक बार फिर से ट्राई करो ना। I'm very worried for KD. बैड लक दवे, बैड लक। मिस्टर जायसवाल, पानी लीजिए। इसे आप पी भी सकते हैं और चाहे तो इसमें डूब के मर भी सकते हैं। रख लीजिए, काम आएगा। मिस्टर दवे कोई आम इंसान नहीं है, ये एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर जिन्होंने कानून का सहारा लेकर एक निहत्ते इंसान की जान बचाई। हम सब कानून के आप भी, मैं खास तौर से लेकिन आज कटघरे में खड़े इस इंसान ने हम सब का सर शर्म से झुका दिया। क्योंकि इंस्पेक्टर दवे वर्दी के नाम पे एक बदनुमा दाग।
यदि कानून के रखवाले ही कानून को अपने हाथों में लेकर अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने लगे तो आम लोगों का भरोसा कानून के ऊपर से उड़ जाएगा। इसलिए निहायत ही अफसोस के साथ इंस्पेक्टर दवे को मुझे सख्त से सख्त सजा सुनानी पड़ेगी। यह अदालत इंस्पेक्टर दवे को मनन श्रीवास्तव की मौत का जिम्मेदार मानते हुए उन्हें योर ऑनर इंस्पेक्टर दवे निर्दोष है। केटी क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, इस लिबास में मुझे अदालत में आना पड़ा क्योंकि मेरे पास समय नहीं था और ना कोई और चारा। वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि योर ऑनर मेरे साथ जो घटना घटी है उससे स्पष्ट है कि इस केस से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि मैं ये मुकदमा लड़ूं। इंस्पेक्टर दवे बरी हो। जरूरी नहीं है मिस्टर पाठक, आपने तो माशाल्लाह इतने लोगों को जेल भेजा है, क्या आपके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है? योर ऑनर जरूरी नहीं है कि इस किडनैपिंग का संबंध इस केस से है। और जहां तक इस केस का ताल्लुक है मिस्टर पाठक, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू लेकिन आप बहुत देर से पहुंचे। मिस्टर जयसवाल आपकी जगह पर यह केस लड़ चुके हैं और हार भी मान चुके हैं, है ना मिस्टर जयसवाल? योर ऑनर मेरे पास दो दलीलें हैं जो इस बात को स्पष्ट कर देंगी कि ये जो भी हुआ है दुर्घटना नहीं एक षड्यंत्र है। आई एम सॉरी केडी बट यू आर टू लेट, अदालत का फैसला लिखा जा चुका है। ठीक है योर ऑनर, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आप निर्णय सुनाइए, मैं उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील करूंगा, वहां अपनी दोनों दलील रखूंगा। क्या पता कब की तारीख मिले, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, लेकिन तब जो मैं वहां दलील रखूंगा वो अगर आप अभी आज सुन ले तो न्याय जल्द हो जाएगा योर ऑनर। और यही हमारा कर्तव्य है, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लुक केडी, मैं सेंटेंस लिख चुका हूं। मानता हूं योर ऑनर, अगर मेरी बात सही हुई तो आपके कलम से निकली हुई थोड़ी सी स्याही व्यर्थ होगी, लेकिन अगर आपकी बात गलत निकली तो एक निपुण पुलिस अफसर का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्लीज योर ऑनर, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, पूछो जो तुम्हें पूछना है। योर ऑनर आप आज्ञा दे तो मैं कपड़े बदलकर। नो नीड, प्लीज प्रोसीड। किस्मत से नहीं सुलझा उसे तुम सुलझाओ। It's an open and shut case. चाहिए तो पेपर पे लिखवा लो मुझसे। दो पंक्तियों के लिए कागज व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं। SMS भेज देना। Your Honor, ये मृत मनन श्रीवास्तव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और खून के जांच की रिपोर्ट है। इसके अनुसार मृत्यु के बाद उनके खून में भारी मात्रा से कोडीन पाया गया। कोडीन योर ऑनर जिसका इस्तेमाल पेन किलर्स यानी कि दर्द निवारक दवाइयों में होता है। सो पेन किलर्स की किसी को भी जरूरत पड़ती है योर ऑनर, हो सकता है कि मनन श्रीवास्तव को भी पेन किलर्स की जरूरत हो। प्रोसिक्यूटर साहिबा, मनन की आरोग्य स्थिति सामान्य थी, उसने ये पेन किलर्स सिर्फ अपने चोटों का दर्द दूर करने के लिए लिया था और वो भी गिरफ्तारी की सुबह को ही। यू जस्ट क्रैक मी अप मिस्टर पाठक, अब आप क्या साबित करना चाहते हैं कि सवेरे ही मनन श्रीवास्तव को यह पता चल गया था कि रात को इंस्पेक्टर दवे उसे पीटने वाले हैं, इसलिए उन्होंने पेन किलर सवेरे ही ले लिए? एब्सोल्यूट नॉनसेंस। नॉनसेंस नहीं, कॉमन सेंस।
सामान्य ज्ञान प्रोसिक्यूटर साहबा, जो दुर्भाग्यवश इतना सामान्य नहीं रहा। योर ऑनर, मनन श्रीवास्तव ने खुद अपने आप को इंस्पेक्टर दवे के हाथों गिरफ्तार करवाया ताकि अपने शरीर पर लगे चोटों का जिम्मेदार वो इन्हें ठहरा सके। यही है मेरी पहली दलील। और इसे आप साबित कैसे करेंगे? गुड क्वेश्चन योर ऑनर। ये मनन श्रीवास्तव के मृत शरीर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखने से साफ पता लगता है कि उनके चेहरे के दाहिने हिस्से पर, शरीर के दाहिने हिस्से पर चोट लगी है और प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि ये घाव इंस्पेक्टर दवे ने उन्हें दिए। इंस्पेक्टर दवे, जरा आप अदालत को बताएंगे कि ज्यादातर आप किस हाथ का प्रयोग करते हैं, दाहिना या बायां? दाहिना। तो यानी अगर आप किसी पर वार करें तो किस हाथ से करें? दायां हाथ। करें। थैंक यू योर ऑनर। अगर वार करने के लिए कोई अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करे तो चोट बाई तरफ लगती है, ना कि दाई तरफ। प्रोसिक्यूटर साहब, आप भी तो राइट हैंडेड हैं, जरा खड़ी हो जाइए। चलिए अब अपने दाहिने हाथ से मुझे मारिए। अरे मारिए ना, अच्छा मौका है बड़ा स्तूर करने का। कम ऑन, इस तरफ नहीं, दाहिनी तरफ। मैं आपको राइट साइड पे कैसे मार सकती हूँ अपने राइट हैंड से? मुझे प्रॉब्लम होगी। अरे कोशिश तो कीजिए। पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली माय पॉइंट योर ऑनर। दाहिने हाथ से चेहरे या शरीर के दाहिने हिस्से पर इतनी भारी भरकम, इतनी गहरी चोट देना असंभव है। मनन श्रीवास्तव के दाहिनी तरफ चोट थी, इसका मतलब वार करने वाला लेफ्ट हैंडेड था और इंस्पेक्टर दवे राइट हैंडेड है। योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे ने मनन श्रीवास्तव पर कोई वार नहीं किया, यही मेरी दूसरी दलील है। ऑर्डर, ऑर्डर। चलिए मिस्टर पाठक, आपकी इस इनक्रेडिबल फाइट क्लास से ये तो प्रूव हो गया कि वो चोटे जो मनन श्रीवास्तव को लगी थी वो इंस्पेक्टर दवे की वजह से नहीं है। लेकिन आप ना एक छोटा बट बहुत ही अहम हिस्सा भूल रहे हैं, और वो ये कि मनन श्रीवास्तव की मौत शरीर पे लगे चोटों की वजह से नहीं बल्कि गर्दन टूटने की वजह से। हाँ, इसकी जानकारी है मेरे पास प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, सोचने वाली बात है कि एक इंसान अपने शरीर पर लगे चोटों को छिपा कर गिरफ्तार होता है और फिर उन्हीं चोटों का जिम्मेदार एक पुलिस अफसर को ठहराता है, उसके बाद उसकी मौत होती है जिसका इल्जाम उसी पुलिस अफसर पर आता है। इसे क्या कहेंगे आप प्रोसिक्यूटर साहिबा, इत्तेफाक, दुर्घटना या षड्यंत्र? योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि जो निर्णय आपने लिया है उसे कुछ समय तक टाल दिया जाए, जब तक हमें मनन की मृत्यु का रहस्य नहीं पता चल जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र का उद्देश्य उसकी मृत्यु से जुड़ा हुआ है। यू आर राइट केडी, तुम्हारी दोनों दलीलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें और वक्त देते हुए यह अदालत इस केस को अगली तारीख तक मुलतवी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। थैंक यू योर ऑनर। आई एम सॉरी केडी, लेकिन जब तुम नहीं आए तो मैंने जायसवाल को नियुक्त कर लिया। और फिर जो बीत गई सो बात गई। अरे देख, जाहिर सी बात है कि मनन के केस में किसी ने तुझे फंसाया है, तो तुझे कोई क्यों फंसाएगा? कारण तुम तो जानते हो केडी कि एक पुलिस इंस्पेक्टर के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, कुछ उस तरफ और कुछ खुद अपनी तरफ। लंबी लिस्ट है। ये अंगूठी दवे, उस नकाबपोश इंसान वो जिसने मुझ पर हमला किया था, उसके पास से मेरे हाथ में आई है। उसकी बेनामी गन भी मैंने फोरेंसिक्स में भेजी है उंगलियों के निशान के लिए।
इसे कहीं पहले देखा तुमने किसी के हाथ में? ये अंगूठी देखी तो है लेकिन याद नहीं आ रहा। लेकिन केडी, वो कौन सी जगह थी जहां तुम्हें कैद किया गया था? अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है कोई, प्रेस्टीज टावर्स। ये तो वही जगह है केडी जहां मैंने मनन को अरेस्ट किया है। अच्छा, यानी कि मेरा शक सही है, मनन का उस आदमी के साथ कोई कनेक्शन है। लगता उसी ने जेल भिजवाया मनन को। लेकिन मनन की जान तो किसी और ने ली है जो उस रात पुलिस स्टेशन में मौजूद था। मनन के कातिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उस नकाब को उस शख्स तक पहुंचना पड़ेगा। मनन का पता जानते हो तुम? सर, मैं मनन के घर आ गया। नहीं सर, दरवाजा खुला था। नहीं, यहां कोई नहीं है। कुछ मिलते ही मैं आपको फोन करता। बाय। हो, बॉक्सिंग बैग। Oh yeah, dumbbells. लगता है मनन को बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था। Painkillers. केडी सर सही कह रहे थे, मनन ने पूरी प्लानिंग सुबह से ही की थी। इस पर भी खून? मनन के शरीर पर घाव करने वाले ने इस कपड़े को अपने मुक्के पर बांधा होगा। बस क्या प्रॉब्लम है? वरुण के साथ कभी पंगा मत लेना। अच्छा डायलॉग है। आपका शुभ नाम? जी, बाबुल प्रकाश। बाबुल प्रकाश जी, अदालत को बताइए कि आप मनन की खोली में क्या कर रहे थे और आपने मेरे सहायक पर हमला क्यों किया? जी वो मैं डर गया था। मुझे ऐसा लगा कि मैं उसकी वजह से पकड़ा जा सकता हूं। पकड़े जा सकते हैं मतलब किस अपराध के लिए? जी असल में जिस दिन मनन की मौत हुई उस दिन उसने मुझे फोन करके अपने खोली पे बुलाया था। साहब, तू पागल हो गया है क्या? तू मुझे पैसे दे रहा है ताकि मैं तुझे पीटूं? हाँ, घाव अंदरूनी होने चाहिए जो बाहर से बिल्कुल नजर नहीं आए। तू एक बात बता, तू ये सब कर क्यों रहा है? देख, अगर इतने सवाल पूछेगा तो मैं किसी और को ढूंढूंगा, ये पैसे उसे दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी जान है। अब तू मार खाना ही चाहता है तो तुझे मार देता हूं, मेरे बाप का क्या जा रहा है। लेकिन सुन, ज्यादा लग जाए तो रोक देना, नहीं तो तू गया, समझा? उसकी टेंशन तू मत ले, मुझे तो मारना है। चल, टेंशन में क्यों लूं? चल, टेंशन तो तू ले।
ये मेरे तरफ से फ्री। मरन बोल रहा हूं, पूरी पक्की प्लानिंग हो गई है। वो दबे के खबरियों को पता चल गया कि मैं आज उन्हें प्रेस्टीज टावर के पास मिलने वाला हूं। अच्छा, इंस्पेक्टर राठौड़। क्या आप ये बात पूरे विश्वास से कह सकते? जी, अरे मेरे को तो टाइम भी बराबर याद है, 10:15 बजा था साहब। ए, क्या बोल रहे तू? झूठ बोल रहा है जा साहब। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। सर, एक मामूली से गुंडे के कहने से आप मुझ जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर शक कर रहे हैं? सर, ये बाबुल को मैंने कई बार अरेस्ट किया है, ये अपना पुराना हिसाब चुकाने के लिए मुझे फंसा रहा है। जा साहब, मेरे पास कभी मनन ने कोई फोन नहीं किया। अच्छा, चलिए इस बात की पुष्टि कर लेते हैं। सवेरे 10:15 एक नंबर पर उन्होंने फोन किया था। वो नंबर है 9349-3921। योर ऑनर, मैं इस नंबर को डायल करने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। ये तो आपकी जेब में फोन झनझना रहा है, यानी कि ये नंबर आप ही का है, यानी कि आप मनन से मिले हुए थे। जी, मनन के द्वारा इंस्पेक्टर दवे को फंसाने का प्लान बनाया था। सब कुछ समझ गया ना? सब प्लान के मुताबिक होना चाहिए। इंस्पेक्टर दवे तुझे प्रेस्टीज टावर में पकड़ेगा, लॉकअप में तू बेहोशी का नाटक करेगा, डॉक्टर आएगा, तेरा घाव देखेगा, इंस्पेक्टर दवे सस्पेंड। प्लान सिंपल, वेरी सिंपल। लेकिन राठौर साहब, इसमें मेरा क्या फायदा? सोच ले बेटा, अगर आम से स्मगलिंग का केस ओपन हो गया ना, तो सीधा टाटा में अंदर जाएगा जीवन भर के लिए। लेकिन मैं तुझे बचा लूंगा, ऊपर तक सेटिंग है मेरी, मौका पाते ही जेल से भगा दूंगा, दूसरे मुल्क, बच जाएगा तू, समझा? सच? क्या मैं बाहर के मुल्क जा सकूंगा? ठीक है, लेकिन राठौर साहब, इसमें आपका क्या फायदा? मैं इंस्पेक्टर दवे से जलता था, कई प्रमोशंस जो मुझे मिलने चाहिए थे इसे मिले। अगर आम से स्मगलिंग का केस सॉल्व हो जाता तो ये मेरा बॉस बन जाता, जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैंने मनन के साथ मिलकर इंस्पेक्टर दवे को सस्पेंड कराने का प्लान बनाया। जज साहब, सस्पेंड? सिर्फ सस्पेंड? इंस्पेक्टर राठौड़, आपने इंस्पेक्टर दवे को निलंबित करने का नहीं बल्कि सूली पर चढ़ाने का प्लान बनाया था। नहीं सर, मुझे नहीं पता था कि लॉकअप में मनन की मौत हो जाएगी और उसका इल्जाम इंस्पेक्टर दवे पर आ जाएगा। बहरहाल ये तो आपके लिए फायदेमंद रहा। हाँ, पर मनन को मैंने नहीं मारा, मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। यस मिस्टर पाठक, और इस बात की गवाही दोनों कांस्टेबल्स और कैदी गुज्जर सिंह भी दे चुके हैं। और यही नहीं मिस्टर पाठक, आपकी गैर मौजूदगी में यह भी साबित हो चुका है कि इन चारों में से किसी ने भी उस रात मनन श्रीवास्तव को हाथ नहीं लगाया था, ना ही कांस्टेबल्स राजाराम और शिंदे ने, ना ही गुज्जर सिंह ने, और ना ही इंस्पेक्टर राठौड़ ने। प्रतिज्ञा की बात सही है, आखिर उस रात किसी ने तो मनन पर वार किया होगा जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। यस योर ऑनर,
और वो इंसान आपके सामने खड़ा है, इंस्पेक्टर दवे। वो मैं नहीं था सर, मेरा यकीन कीजिए। और मैंने भी नहीं, मैंने भी मनन को नहीं मारा। जा साहब, मुझे पहले से ही पता था कि इसमें राठौड़ साहब का कुछ है। कैसे? देख राजाराम, तू तो नया आया है, तुझे कुछ मालूम नहीं। देख, ये राठौड़ साहब और दवे साहब, इन दोनों में हमेशा खुन्नस, किसी ना किसी बात के ऊपर पंगा। अब इस पंगे का नतीजा देख रहे हो ना, दवे साहब अंदर है और अब दवे साहब को बुरी तरह से फंसाने के लिए राठौड़ साहब भी अंदर गए। जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे तुझे क्या लगता है शिंदे, उस मनन की मौत के पीछे किसका हाथ है, इंस्पेक्टर दवे का या फिर इंस्पेक्टर राठौर का? 100% दवे साहब। अरे उस बेचारे राठौर साहब ने उसके ऊपर हाथ भी नहीं उठाया था, आज पसुन कानाला खड़ा। आज के बाद कभी भी किसी कैदी के ऊपर हाथ साफ करने के पहले 100 बार सोचूंगा। सच बोला, बराबर। वैसे शिंदे, तू पहले दिन कोर्ट के बाद किधर गायब हो गया था? पुलिस चौकी भी नहीं आया? अरे वो घर में गया था, मेरा भाउजा आया था ना कोल्हापुर से, उसे मिलने। तेरा चाय खत्म हो रहा है, और मंगाओ क्या? नहीं नहीं ठीक। वो मास्ट मैन जिसने तुमको किडनैप किया, उसी ने मनन का मर्डर किया होगा केडी। ये कैसे पॉसिबल है मिसेस बिलमौरिया? उस रात इंस्पेक्टर दवे के साथ पुलिस स्टेशन में 4 लोग मौजूद थे, इंस्पेक्टर, 2 हवलदार और 1 कैदी। और ये 4 लोग उस दिन अदालत में भी मौजूद थे, हम दोनों ने देखा था ना। फिर श्योर वरुण, ये 4 पूरा समय मौजूद थे वहां? नहीं सर, लंच ब्रेक में वो 4 चले गए थे। और वो कैदी गुज्जर सिंह? सर वो तो पहले से ही बेल पर बाहर है। तो 4 में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि प्रेस्टीज टावर अदालत से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। सर इसका मतलब यह है कि ये मुमकिन है कि इन 4 में से एक लंच ब्रेक के दौरान अदालत से प्रेस्टीज टावर गया होगा आपको मानने। पर कौन? वही मिसेस बिलमोरिया, जिसकी उंगलियों के निशान उस गन पर है जो मैंने फोरेंसिक्स को दी है। एक काम कर वरुण, डॉक्टर अस्तुई को फोन कर और बोल कि इंस्पेक्टर राठौड़ और बाकी के जो 3 हैं, उनके साथ उंगलियों के निशान मैच करने की कोशिश करें। अच्छा। योर ऑनर, मैं फोरेंसिक्स के डॉक्टर अस्तुई से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो कटघरे में आए और अदालत को बताए कि जिस नकाब पोश व्यक्ति ने मुझ पर हमला किया था, उसकी गन की जांच से क्या पता चला है। मैं बिना किसी संदेह के साथ कह सकता हूं योर ऑनर कि मेरा हमलावर ही मनन का हत्यारा भी है, और इस समय वो इस अदालत में उपस्थित भी है। इजाजत है डॉक्टर रस्तोगी, आपने कोर्ट की पिछली हियरिंग में गन की फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की? सर क्योंकि गन पे फिंगरप्रिंट्स का ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो आदमी बहुत ही चालाक था सर, उसने अपने हाथों पे साबुन मला हुआ था, जिसकी वजह से गन पे कोई प्रिंट्स नहीं मिले। इसका मतलब आपको अब तक उस गन पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिले? अफसोस, नहीं मिले। योर ऑनर, लगता है मिस्टर जायसवाल की तरह मिस्टर पाठक ने भी अपनी सारी उम्मीदें एक ही इंसान पर लगा रखी है। टेंशन मत लीजिए मिस्टर पाठक, पानी लीजिए। I'm sure you'll need it. वैसे मिस्टर जायसवाल को भी पानी पिलाकर ही दिलासा दिया था मैंने। योर ऑनर, मैं कांस्टेबल शिंदे को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। कांस्टेबल शिंदे, जब आपने और राजा राम ने मनन की चीखें सुनी, तब आप अंदर गए, अंदर जाकर क्या किया आपने? जी, मैंने उसे पानी पिलाया था।
आपने उसे पानी पिलाया था और उसने पानी पिया भी था योर ऑनर, क्योंकि फोरेंसिक्स रिपोर्ट के अनुसार आखिरी वस्तु जो मनन के पेट में गई थी वो पानी ही थी। मैं जेल के डॉक्टर डॉक्टर सदाशिव को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। डॉक्टर सदाशिव, आपने मनन के मृत शरीर की जांच की, आप ही ने उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एक इंसान जिसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई हो, क्या वो इतनी आसानी से पानी पी सकता है? जी नहीं। जिस तरह से उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ में उसके गले की खाले की पाइप यानी फूड पाइप टूटी थी, इट इज इम्पॉसिबल कि ऐसे अवस्था में उसके मुंह से उसके पेट तक कोई भी चीज पहुंचे। तो अगर मैं ये कहूं कि पानी पीने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, तो क्या मेरा कहना गलत होगा? जी नहीं, इसकी संभावना है। जिसका मतलब यह होता है कि मनन की मृत्यु इंस्पेक्टर दवे के वार करने से नहीं, किसी और के वार करने से हुई है। जी जी, इसकी गुंजाइश तो है। ऑर्डर ऑर्डर। थैंक यू डॉक्टर सदाशिव। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह इंस्पेक्टर राठौड़। इंस्पेक्टर राठौड़, यह स्पष्ट हो चुका है कि पानी पीने तक मनन जीवित थे और डॉक्टर सदाशिव के वहां पहुंचने पर मृत पाए गए। इसके बीच में क्या हुआ था? शिंदे और राजाराम ने मुझे वहां बुलाया, फिर मनन की हालत देखकर मैंने डॉक्टर सदाशिव को फोन किया। उसके बाद शिंदे और राजाराम उसे लेकर, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, आगे की बात आपको शिंदे और राजाराम बता सकते हैं। चलिए ठीक है, उन्हीं से पूछते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ओके। अरे सुनिए, एक आपकी राशि क्या है? राशि? हाँ, आपकी राशि। आपकी कन्या वर्गो? क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। क्यों मिस्टर पाठक, क्या अब आप ज्योतिष विद्या से खूनी का पता लगाएंगे उसकी कुंडली बनाकर? जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। योर ऑनर, में एक बार फिर कांस्टेबल शिंदे को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। जी, हमने उस बेहोश मनन को, अब बेहोश नहीं, बेहोशी का नाटक करते हुए मनन को आपने, हमने उसे बेंच पर रखा था। तो बेंच पर रखा था, उसके सर की तरफ कौन था प्यारा जरा? मीटर तेचे पाए पकड़ ले, मेरा मतलब मैंने उसके पैर पकड़े थे, और सर की तरफ तो राजाराम था। ऐसी, और उसके बाद? पानी डालने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तभी मुझे डाउट हो गया कि वो मर गया है। 5 मिनट बाद डॉक्टर साहब आ गए। तो जब आप पानी लेने गए थे, उस समय राजाराम मनन के साथ अकेले उस कमरे में थे? जी सर। धन्यवाद। वैसे आप शिंदे साहब, आपकी राशि क्या है? क्या राशि आपकी? मकर राशि। मकर राशि। आई डोंट बिलीव दिस मिस्टर पाठक, आप इसकी भी राशि पूछ रहे? योर ऑनर, ये केस मर्डर का है या फिर नक्षत्रों का? इतनी अधीर क्यों हो रही है प्रोसिक्यूटर साहब? बताता हूं, धीरज रखिए। क्या राशि बताई थी? मकर राशि। मकर, मकर, राइट। धन्यवाद। राजाराम जी आइए। तो राजाराम जी, आप उस दिन जब मनन के साथ अकेले थे तब? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो लाश को, मेरा मतलब मनन को छुआ तक नहीं था। अगर आपने नहीं किया तो किसने किया? क्योंकि कांस्टेबल शिंदे तो पानी लेने गए थे और जब डॉक्टर सदाशिव वहां पहुंचे तो मनन मृत पाया गया। इसका मतलब आप ही ने उसकी गर्दन को मरोड़ कर उसकी हत्या की है। नहीं, वो आप ही थे जिसने मुझे हवाई अड्डे से अगवा किया और उस तहखाने में बंद किया। वो आप ही थे जिसने अपने मुख पर मुखौटा लगाया और मुझ पर गोली चलाई। आप ही थे? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। कोई और था वो, और था वो। आपकी 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 राशि क्या है राजा राम जी? मेष राशि होनी चाहिए। जी, मेष राशि है जी। दिस इज एब्सोल्युटली रिडिक्युलस क्वेश्चनिंग। मेरी राशि तुला है, जज साहब की मिथुन राशि है। आई एम श्योर ये इंफॉर्मेशन भी आपके काम आएगी, इजंट इट? योर ऑनर, प्लीज इनसे कहिए कि बीच में ना टोकिए। मिस प्रतिज्ञा, प्लीज डोंट इंटरप्ट द प्रोसीडिंग्स।
थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो राजाराम जी, आपकी उंगली पर क्या हुआ? उंगली कट गई साहब। कट गई? जरा बैंडेड खोल के दिखाइए। नहीं, योर ऑनर प्लीज। मिस्टर राजाराम प्लीज कोऑपरेट। दिखाइए दिखाइए। राजाराम जी, आपकी उंगली तो कहीं से कटी नहीं है। बल्कि ये क्या है? ये निशान तो तब होता है जब वर्षों अंगूठी पहनकर उतार दिया जाए। योर ऑनर, ये अंगूठी मुझे मेरे नकाब पोश हमलावर के पास से मिली। हाथापाई में उसकी उंगलियों से मेरे हाथ में आ गई। ये रूबी की रिंग है यार मानिक, जो खासकर मेष राशि वालों के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। और मुझे पूरा यकीन है यार ऑनर कि ये अंगूठी राजा राम जी को एकदम फिट होगी। क्या कहते हैं, लाइए उंगली लाइए। पहली बार किसी मर्द को पहना रहा हूं। वाह, बिल्कुल फिट होती है। क्योंकि आप ही की है अंगूठी। अब राजा राम जी, आपका एक बाले जुर्म। जी, मनन की करतन, पहले एक तोड़ी थी, ऑर्डर ऑर्डर। उस दिन सुबह मैंने इंस्पेक्टर राठौर और मनन को फोन पर बातें करते हुए सुन लिया था। ये रात जानकर पहले मैंने सोचा कि इंस्पेक्टर दवे को बता दूं कि इंस्पेक्टर राठौर उन्हें फंसाने वाले हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। इसलिए मेरा दिमाग चला और मैंने अपना अलग प्लान बनाया। मैंने बाकी हवलदारों से जान लिया कि इंस्पेक्टर दवे का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, और फिर उनमें से एक भास्कर शेट्टी के पास में पहुंचा। इसलिए जब मनन दर्द और बेहोशी का नाटक कर रहा था तो इंस्पेक्टर राठौर के साथ साथ मैं भी जानता था कि असलियत क्या है। और जब मुझे स्टोर रूम में अकेले में मौका मिला तो मैंने शिंदे, हाँ थोड़ा पानी लेके आओ ना, मुंह पे मार के देखते हैं, शायद होश में आ जाए। मरने का नाटक कर रहा है ना, ला मैं तुझे सच में मार देता हूं। जब मुझे पता चला कि ये केस केडी पाठक लड़ रहा है,
तो मैंने भास्कर अन्ना की मदद से मैंने ही इंस्पेक्टर दवे को बसाया है। 50 लाख रुपयों के लिए मैंने ही ये सब किया है। तो द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत मनन श्रीवास्तव के कत्ल के इल्जाम में हवलदार राजाराम को गिरफ्तार करने के साथ पुलिस को यह हुक्म देती है कि भास्कर शेट्टी को ढूंढकर उसे फौरन हिरासत में लिया जाए और इस पूरे केस में इंस्पेक्टर दवे बेकसूर है, इसलिए यह अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। अरे प्रोसिक्यूटर साहब, वो पानी का ग्लास जो आपने ला कर दिया था, अगर आप उसे न लाती तो इस केस का दूध पानी का पानी ना होता। मैं धन्यवाद। जरूरी नहीं है मिस्टर पाठक कि हर बार आपकी किस्मत आपका साथ दे। दवे कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू केडी। मिस्टर जायसवाल, आज पता चला केडी, लोग क्यों कहते हैं कि जब केडी अदालत में बोलता है तो सिर्फ केडी सुनाई देता है। यू द बॉस केडी। यू आर वेरी काइंड मिस्टर जायसवाल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।